नमस्कार। अब हम लोग पल्मोनरी मेडिसिन के नए टॉपिक में सीओपीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जान लें, एक नॉर्मल हेल्दी लंग्स को इस साइट में दिखाया गया है। ये हेल्दी लंग जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोंकियोल, और इसके आप एक्सचेंजिंग पार्ट्स को देखिए। यहां पर नॉर्मल ब्रोंकियोल है, ये हेल्दी पार्ट है नॉर्मल ब्रोंकियोल, और इसके एल्वेलाई को देखिए। जबकि इस साइड में आप देख सकते हैं म्यूकस, और इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टेड आप ब्रोंकियोल को देख रहे हैं। तो ये स्टिकी म्यूकस के द्वारा ब्लॉक हो चुका ब्रोंकियोल है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लंबे समय तक होते रहने की वजह से यहां पर देखा जा रहा है। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा की प्रेजेंस के साथ सीओपीडी प्रेजेंट करता है। एक्चुअल में सीओपीडी में दो चीजें होती हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फाइसिमा, जो एयर सैक्स को, जो एयर एक्सचेंजेस के लिए जो स्पेसेस होते हैं उनकी वॉल्स या सेप्टा के डैमेज हो जाने की वजह से यहां पर देखी जाती है। सीओपीडी में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो देखिए, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इतना ही नहीं, आप देखिए एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, और यहां पर म्यूकस प्लग, चूंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रेजेंस और एल्वेलर वॉल का डिस्ट्रक्शन और उसकी इलास्टिसिटी के लॉस हो जाने के साथ इसकी प्रेजेंस मिलती है। तो यहां पर इलास्टिसिटी लॉस होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है सीओपीडी में। अब देखिए काफी कुछ यहां पर डैमेज हो रहा है, आप इस डिफरेंस से ही समझ सकते हैं नॉर्मल और सीओपीडी में क्या अंतर मिलेगा। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन मिलता है, दो अलग अलग चीजों का प्रेजेंस मिलता है। अक्सर आप देखते हैं यह ओल्ड एज में स्मोकर्स में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करती है। इसमें डिफ्यूज पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरी की पूरी लंग्स की पैरेन्काइमा में एल्वेलर सेप्टा डैमेज हो जाते हैं, एम्फाइसिमा हो जाता है। तो इंडिया जैसे कंट्रीज में इसके खूब सारे पेशेंट्स मिलते हैं। इसमें इंडिविजुअल में एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से प्रॉपर एयर का फ्लो नहीं हो पाता है, और यह प्रॉब्लम धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, जिसमें एनहेंस्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इसके कारण पर्सन को कॉपियस स्पुटम प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्पुटम का प्रोडक्शन करते हुए ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें दो पैटर्न हमारे सामने होते हैं, एक एम्फाइसिमा और दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसिमा दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं जो सीओपीडी कराएं, तो इसमें दो चीजें होती हैं, दोनों को याद रखना है, एम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। रिस्क फैक्टर में स्मोक का कोड रखें, तो एस से एस अपने आप में स्मोक के बारे में बताता है, एम का मतलब होता है म्यूटेशन, जिसके कारण इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी होती है वो यहां पर एल्विलाई की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर सरपाइना वन जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जीन का एक कॉम्बिनेशन है, एक फॉर्म है। तो आप समझ सकते हैं, जो मैंने इमेज में दिखाया था कि एल्विलाई की जो इलास्टिसिटी होती है वो भी यहां पर समाप्त हो जाती है, और जो सेप्टा है वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन से रिलेटेड जो जीन्स होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा एस एम हो गया, ओ से ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस, फ्यूम्स या फिर तमाम तरीके के केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों में इसकी समस्या देखी जाती है। के का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किस चीज का होगा, ब्रोंकियल अस्थमा और स्मोक के एक्सपोजर का कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। ई का मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बात समझे, ब्रोंकियल अस्थमा ये तो रिवर्सिबल कंडीशन होती है ना, लेकिन लंबे समय तक अगर पेशेंट इससे प्रभावित होते रहते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा वाले जो पेशेंट, जो रिवर्सिबल कंडीशन है, वो
आगे चलकर के स्मोक के साथ अगर कंबाइंड हो गई तो आप समझ सकते हैं जो डैमेज होता है वो इररिवर्सिबल होने लगता है और आगे चल करके सीओपीडी के रूप में पेशेंट की प्रेजेंस मिलती है। तो सीओपीडी और अस्थमा दोनों में डिफरेंस होता है। अस्थमा जनरली यंग एज की प्रॉब्लम होती है, जबकि सीओपीडी एडल्ट्स में या ओल्ड एजेस में देखी जाती है। तो इम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मैंने आपको बताया दो इसमें पैटर्न होते हैं। इम्फाइसिमा का मतलब एबनॉर्मल एयरवेज होगा, जहां पर एयर का एक्सचेंज होता है वहां एबनॉर्मेलिटी मिलती है। इम्फाइसिमेटिस लंग्स के इस एग्जाम्पल को आप देखें, जहां पर देखिए सेप्टा गायब हो गया है, सेप्टा की टीयरिंग हो गई है, कोलैप्स्ड एल्वियुलर सैक्स, जिसके कारण एक्सचेंज में अब यहां पर दिक्कत होगा। इतना ही नहीं, यहां कंप्रेस्ड डक्ट, ये दोनों ही चीजें मिल जब जाती हैं तो सीओपीडी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो एयरवे होता है, जो एल्वियुलर सैक्स होते हैं, क्योंकि वो सेप्टा गायब हो गई इसलिए इनलार्ज नजर आता है, और ऐसा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे के हिस्सों में इम्फाइसिमा का इफेक्ट्स देखने को मिलता है। मैंने आपको दिखाया था ना, सेप्टा गायब हो गई तो इसलिए लग रहा है कि सैक बड़े बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेप्टा होती है वो एरिया को बढ़ाती है, ऐसे एरिया जो गैसियस एक्सचेंज जोन्स के जो एरिया होते हैं वो यहां पर कम हो जाएंगे, यानी एसिनाई जो एयर एक्सचेंज जोन है वो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। तो इम्फाइसिमा के साथ जब प्रेजेंटेशन होगा, इसका मतलब एक तो एयर कम पहुंच रहा है क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, और इम्फाइसिमा ने क्या दिक्कत पैदा कर दिया, इम्फाइसिमा ने दिक्कत यह पैदा किया कि जो एयर कम पहुंच रहा वो भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो इम्फाइसिमा के पेशेंट्स में ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और उसके बाद जो एल्वियुलर डक्ट और एल्वियुलर सैक्स होते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और जो एल्वियुलर सैक्स होते हैं, आप देखिए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे के जो हिस्से होते हैं, यहां पर गैसियस एक्सचेंज की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इमेज में दिखाया गया था ना, एसिनस में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे के हिस्से इसमें शामिल होते हैं। एसिनस में क्या क्या पार्ट था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जिसको आरबी से मैंने बताया, फिर एल्वियुलर सैक और एल्वियोलाई, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। खैर, अब बात करें सीओपीडी के पेशेंट्स के क्लिनिकल फीचर्स की, तो यहां पर एक्सर्शनल डिस्निया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेंगे। अब आपको लगेगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस या एक्सर्शन के समय दिक्कत का होना, व्हीजिंग साउंड का होना, यह तो सीओपीडी में भी होता है और अस्थमा में भी होता है। ध्यान देने वाली बात यह कि अस्थमा जनरली यंग एज ग्रुप में होगा और यह थोड़े से एडवांस्ड एज ग्रुप में होगा। आप देखेंगे यहां पर म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ होगा, बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। यहां पर कफ तभी होगा जब लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बना रहे, शुरुआती दौर में ड्राई कफ होता है अस्थमा के पेशेंट्स में, लेकिन जब ज्यादा समय तक होने लगे, जब दो तीन दिन के बाद यहां पर कफ का प्रोडक्शन होगा। सीओपीडी में लंबे समय तक कफ का प्रोडक्शन बना रहता है। आप सीओपीडी के पेशेंट से बात करेंगे तो वो लंबे समय से सीओपीडी के पेशेंट्स में आप जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं उसमें डिस्निया ऑन एक्सर्शन, फिर कफिंग, स्पुटम का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कफ होता है, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स होगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होगा, बैरल शेप चेस्ट होगा, वेट लॉस होगा, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज करेंगे ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है इसलिए फीवर के फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो प्राइमरी फीचर्स क्या है, प्राइमरी सिम्टम्स क्या है, एक्सर्शन पे डिस्निया होगा, और अगर ये बीमारी समय से कंट्रोल नहीं हुई तो धीरे धीरे करके समस्या बढ़ती जाती है। जो पहले एक्सर्शन पर होता था, आगे चल करके डिस्निया रेस्ट पर भी होने लगेगा और पेशेंट का लगातार कफ के साथ यहां पर प्रेजेंस मिलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम इम्फाइसिमा को अलग तरीके से देखेंगे, क्लासिफिकेशन करके देखेंगे इम्फाइसिमा के बारे में, चूंकि दो इसके पैटर्न है ना, इम्फाइसिमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दो इसके पैटर्न हैं। एबनॉर्मल डायलेटेशन कहां पर है, इसके आधार पर इम्फाइसिमा के कई टाइप्स हैं। सेंट्री लॉबुलर, आप यहां पर देखिए एसिनाई को छोड़ दिया है इसने, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और उसके आसपास के हिस्सों को इन्वॉल्व किया है। पैन लॉबुलर, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई दोनों ही इन्वॉल्व हो गए हैं, देख रहे ना, सेंट्री लॉबुलर में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और यहां पर पैन लॉबुलर में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एसिनाई दोनों इन्वॉल्व हुए हैं।
पैरासेप्टल में एसिनाई इन्वॉल्व होगा, एसिनाई में एल्वियोलाई वाला हिस्सा इन्वॉल्व होगा, और इरेगुलर में इरेगुलर लेवल पर डायलिटेशन मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, यहां पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई यानी एसिनाई का पूरा हिस्सा पैन लॉबुलर, केवल एल्वियोलाई पैरासेप्टल और इरेगुलर एक पैटर्न मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके देखते हैं, पैन एसिनर एम्फाइसिमा पूरा का पूरा एसिनाई ही डायलेट कर जाता है, यह आमतौर पर लोअर लोब ऑफ लंग्स में देखने को मिलता है। फिर सेंट्री एसिनर में प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डायलेशन होते हुए मैंने आपको दिखाया था। फिर पैरासेप्टल जो कि डिस्टल पार्ट, डिस्टल स्ट्रक्चर यानी एल्वियोलाई में डायलेशन होगा, खासतौर पर एल्वियोलाई का डक्ट और एल्वियोलर सैक, यानी खासतौर पर जो एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई के आसपास का हिस्सा होगा वो पैरासेप्टल इम्फाइसिमा में इन्वॉल्व होगा। ये पैरासेप्टल यहां पर हम देख सकते हैं, इरेगुलर में इरेगुलर पैटर्न्स मिलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इस तरीके से डायलेशन क्यों हुआ, क्योंकि एल्वियोलर सेप्टा डैमेज हो गई। आप जानते हैं ना, इस तरीके के डैमेज होने के लिए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो जाती है, और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम्स की डिफिशियंसी होने की वजह से पैन एसिनर इम्फाइसिमा डेवलप हो जाता है। हालांकि जितने भी होंगे, जहां पर भी सेप्टा डिजॉल्व हो जाता है वो इसी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अब दूसरा पैटर्न क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का देखते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसका क्राइटेरिया क्या होता है, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, ऐसा प्रोडक्टिव कफ जो लगातार 3 महीने तक लगातार 2 सालों के ड्यूरेशन में चल रहा हो, तो 3 मंथ्स के लिए 2 consecutive years तक इस तरीके का पैटर्न अगर है तो उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जा सकता है। अब इसमें जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला पार्ट है और एम्फाइसिमा जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा, तो आप देखेंगे इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होगा वो 40 to 45 years के एज ग्रुप में मिलता है। एम्फाइसिमा का जो पैटर्न मिलेगा वो 50 to 70 years में, यानी धीरे धीरे करके एम्फाइसिमा का जो पैटर्न मिलता है वो थोड़ा बड़े एडवांस एज में मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मैंने बताया था ना, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, यानी यहां पर प्रोडक्टिव कफ होगा, और एम्फाइसिमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद के साथ पेशेंट आएंगे। इतना ही नहीं, यहां जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें एल्वियोलाई में दिक्कत नहीं होगी। आमतौर पर ब्रोंकाइटिस वाले मामलों में इलास्टिक रिक्वायल नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर इम्फाइसिमा के साथ ये जुड़ गया तो फिर इलास्टिक रिक्वायल होना, यानी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो एल्वियोलाई का जो फूलने और पिचकने की जो टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। इम्फाइसिमा में इलास्टिक रिक्वायल रिड्यूस हो जाता है, खासतौर पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नाम में ही आइटिस जुड़ा हुआ, इसलिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले मामलों में ज्यादा तौर पर देखने को मिलेगा। तो जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है उसका एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी इमेज यहां पर बना करके हम सोच सकते हैं। अब देखिए, यहां पर क्रॉनिक एयर फ्लो का लिमिटेशन हो रहा है, लंबे समय तक एयर फ्लो का लिमिटेशन है जिसका प्रेजेंस हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ मिलता है, और इम्फाइसिमा में सेप्टा डिजॉल्व हो गया। अब एयर का चूंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, इसलिए पर्सन जल्दी थकेंगे। चूंकि यहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन खूब हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। चूंकि प्रॉपर एयर जा नहीं पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए पर्सन ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, एसेसरी मसल्स का इस्तेमाल होता है, और पर्सन ऑर्थेप्निक होते हैं, वीजिंग के साथ ही प्रेजेंट करेंगे। परस्यूड लिफ्ट ब्रीदिंग, वो लंबे समय तक एयर को अंदर लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रयास में परस्यूड लिप ब्रीदिंग के साथ मिलेंगे। लंबे समय तक कफ रहेगा, और चूंकि एयर ट्रैप रहेगा, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से अंदर एयर ट्रैप्ड है, इसलिए बैरल शेप का चेस्ट निकलेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन होगा, बाद में रेस्ट में भी डिस्निया मिल सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्सपायर करने में लंबा समय लगाएंगे। ऐसे पेशेंट क्या लगाते हैं, लंबा समय लगाते हैं एक्सपायर करने में। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से बढ़ा हुआ स्पुटम का प्रोडक्शन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो डिजिटल क्लबिंग भी मिलेगा।
इतना ही नहीं, आगे चलकर के कोर पल्मोनेल, जिसका लेट प्रेजेंटेशन हो सकता है, और ऐसे पेशेंट दुबले पतले मिलते हैं। इन पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे को देखने पर क्या मिलता है, आप देखें, ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है और ये सीओपीडी के पेशेंट का चेस्ट एक्सरे है। इसमें कुछ पैटर्न हमें इम्फाइसिमा से जुड़ा हुआ मिलेगा। आप जानते हैं, कोई भी ऐसा पेशेंट आया आपके पास तो सबसे पहले आप क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में आप देखेंगे ल्यूसेंसी मिलेगी, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट होगा। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पर इम्फाइसिमा की वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट मिलेगा, और ये जो फ्लैट डायफ्राम है ये भी आप हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स की वजह से ही आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर हाइलर रीजन में आप वेस्कुलेचर्स को देखिए कितना प्रोमिनेंट हो गया है, तो हाइलर रीजन में वेस्कुलेचर प्रोमिनेंट हो जाएंगे और हार्ट का इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। आगे चलकर के कोर पल्मोनेल के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से इसमें क्या मिलेगा और इम्फाइसिमा की वजह से क्या मिलेगा, उस चीज को देख लेते हैं। यहां पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से ब्रोंको एल्वुलर मार्किंग बढ़ी हुई मिलेगी, जबकि इम्फाइसिमा की वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होगा, जो डायफ्राम होगा वो लोअर साइड तक पहुंचा हुआ होगा। यहां पर ट्यूबुलर हार्ट, जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, ट्यूबुलर हार्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं तो ट्यूबुलर शेप का हार्ट की प्रेजेंस मिलती है, और चूंकि हाइपर इन्फ्लेशन है तो इंटरकॉस्टल जो स्पेसेस होंगे वो भी इम्फाइसिमा के वजह से ही बढ़े हुए मिलेंगे। तो वाइडनिंग ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस क्यों है आप समझ सकते हैं, वो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से मिलेगा, जिसको हम चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग में देखते हैं। आगे चल करके यह कोर पल्मोनेल के साथ प्रेजेंट कर सकता है लेट फीचर में, इसलिए पल्मोनरी वेस्कुलेचर पैथोलॉजी तो मिलेगी यहां पर, लेकिन वो हो सकता है वो कार्डियक कॉजेस से एसोसिएट हो या नहीं भी हो सकती है। तो जो यहां पर हम राइट हार्ट साइड का जो फेल्योर्स के फीचर हैं वो हो सकता भी है यहां मिले या ना भी मिले। तो कोर पल्मोनेल एक्चुअल में यहां पर लेट प्रेजेंटेशन होती है। यहां पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को समझने के लिए एक रीड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। रीड इंडेक्स होता क्या है, थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ब्रोंकियल वॉल, यानी ब्रोंकियल वॉल की दीवारें, और यहां पर म्यूकस ग्लैंड की जो दीवारें देख रहे हैं इसमें म्यूकस ग्लैंड की दीवारें जो ये जो इसकी थिकनेस है डिवाइडेड बाय दिस, यह रीड इंडेक्स कहलाता है। तो थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड की लेयर डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ब्रोंकियल वॉल, और यह नॉर्मली 0.4 के आसपास होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस ग्लैंड ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं, इस वजह से रीड इंडेक्स बढ़ जाता है। तो रीड इंडेक्स की वैल्यू भी हमें यहां पर देखना होगा, रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड टू दैट ऑफ ब्रोंकियल वॉल, यह रीड इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रीड इंडेक्स, और इसकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल इंडिविजुअल में यह वैल्यू 0.4 के आसपास होती है, एग्जैक्ट कहें तो 0.44 प्लस माइनस 0.09। अब आप इतना डेटा नहीं याद कर सकते, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में बस याद कर लें 0.4 होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यह 0.4 से ज्यादा साइज का हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड प्रोलिफरेट कर जाती हैं। तो इस तरीके से हमने चेस्ट एक्सरे पर क्या फाइंडिंग मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या फाइंडिंग मिलते हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब कोई सीओपीडी का पेशेंट आया तो क्या क्या आप कराएंगे, आप जानते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कैसे फाइंडिंग मिलेगी इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीटी स्कैन, इसके बारे में डेफिनेटिव टेस्ट होगा, और बहुत हायर लेवल पर जाना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग भी कराई जा सकती है, रीड इंडेक्स भी देखा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट हमें
पेशेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, चेस्ट एक्सरे में लो सिट डायफ्राम मिलता है, क्यों मिलता है, इम्फाइसिमा की वजह से मिलता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है, इस वजह से लो सिट डायफ्राम यहां पर देखने को मिला था। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग हो गई, बहुत सारी अलग अलग तरीके से आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से जब आपने कंफर्म कर लिया तो ये पता चल गया सीओपीडी का पेशेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पर इम्फाइसिमा को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इम्फाइसिमा को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ ही साथ जो ब्रोंकाइटिस वाला मामला है उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो इम्फाइसिमा जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग हो गया, लो सेट डायफ्राम हो गया, चूंकि डायफ्राम पिचक करके नीचे चला आया, तो इसके ट्रीटमेंट का कारण मीन्स इसके ट्रीटमेंट के लिए यानी इम्फाइसिमा के लिए हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हो सकते उसको पहले ट्राई करेंगे। जैसे पर्सन से कहेंगे कि जो रिस्क फैक्टर है उसको कम कीजिए, सिगरेट या स्मोकिंग का सिजेशन कीजिए। इसके अलावा ऑक्सीजन का चूंकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को देना पड़ेगा, और इन्फेक्शन होने के खतरे बार बार रहते हैं तो इसलिए न्यूमोकोकल वैक्सीन एनुअली लगाने की सलाह दी जाती है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हम यहां पर पेशेंट को लगाने की कोशिश करते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम ब्रोंकाइटिस के जो मामले हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो होती है वो इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीट की जाएगी। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे ताकि पेशेंट का एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाए। ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग दी जाती हैं, इसके साथ ही साथ एंटी कोलिनर्जिक हम एमडीआई ट्राई कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। आपको पता है ना तमाम तरीके के जो पफ्स आते हैं वो क्या होते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। थियोफाइलिन भी ट्राई किया जा सकता है, जो फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो ट्राई किए जा सकते हैं। थियोफाइलिन फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, हालांकि एडवांस मामलों में सर्जिकल थेरेपी भी करनी पड़ जाती है। तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी चलती रहती है, मैंने आपसे कहा ना इन्फेक्शन को कम करने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे, इसके अलावा हम इम्फाइसिमा को और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले जो मामले हैं उसको ट्रीट करेंगे। सर्जिकल थेरेपी में अगर लंग वॉल्यूम ज्यादा बड़ा हो गया, हाइपर इन्फ्लेटेड बैरल शेप का हो गया, पेशेंट की हालत उससे गड़बड़ हो रही है, तो हम लंग वॉल्यूम रिडक्शन थेरेपी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा ही डैमेज हो चुका है तो लंग ट्रांसप्लांट एक अंतिम ऑप्शन बचता है। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जिकल थेरेपी का ही एक हिस्सा होगा, ये एक्सट्रीम केसेस में किया जा सकता है। अब यहां पर कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जैसे ब्लू ब्लोटर, ये सीओपीडी का पेशेंट के लिए जो ब्लू ब्लोटर टर्म यूज किया जाता है और पिंक पफर टर्म यूज किया जाता है वो किस बात से लिंक्ड है उसको देख लें। ब्लू ब्लोटर जो होता है प्रॉब्लम वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से ब्लू ब्लोटर और इम्फाइसिमा की वजह से ये पिंक पफर्स